ऑलराइट, तो ये है मेरे पास Vivo T3 Ultra जिसको पिछले 10 दिनों से एज अ डेली ड्राइवर बना के यूज कर रहा हूं और आज की वीडियो में इसका फुल टू क्लियर रिव्यू आपको देता हूं कि 30,000 रुपए के बजट में किस तरीके का ये फोन निकल के आता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है, भाई Vivo V40 के सामने किस तरीके का इसका कैमरा रहता है, आज की वीडियो में आपको फुल टू क्लियर करके चलो बता देता हूं। वैसे एक चीज आपको क्लियर कट ये भी हो जाती है कि बॉक्स के अंदर चार्जर, केबल, कवर सब चीज मिल जाएगी, तो अलग से आपको कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जहां पर मुझे बहुत ज्यादा सही लगा है वो है बिल्ड। अब बहुत ज्यादा सही भी है और बहुत ज्यादा सिमिलर भी आपको ये Vivo V40 सीरीज से मिलेगा। V40 में बस ये ज़ाइस की ब्रांडिंग आती है, इसके अंदर ये ब्रांडिंग नहीं मिलती है। बाकी कैमरा मॉडल देखोगे तो सर्कुलर टाइप का है, क्यूट टाइप का मुझे पर्सनली यहाँ पे फील दिया है। बाकी यार ये आपके ऊपर भी है, हो सकता है डिजाइन आपको इतना अच्छा ना लगे, हो सकता है डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगे, तो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर रहता है। पर्सनली मुझे बहुत सही लगा है। एक तो बैक से ग्लास है, फिंगरप्रिंट्स, स्मचेस या स्क्रैचेस इतनी जल्दी इसके अंदर विजिबल नहीं होते हैं और थोड़ा सा मैटी फिनिश में है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी प्रीमियम फील भी देता है। इवन इसका जो बिल्ड है बहुत स्लिम साइड में भी है। वैसे मिडिल फ्रेम इसका प्लास्टिक का है बट एकदम स्लिम पतला सा है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि यार ये पतला है तो जल्दी टूट भी जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर जो है इसका वो बहुत ज्यादा सॉलिड है तो टूटने की शंका इसके अंदर बहुत कम रहती है। Vivo की यार जो V सीरीज है पतली ही रही है ओवरऑल, बट उसमें जो टफनेस है वो ज्यादा अच्छी रहती है और इसके अंदर भी उस तरीके से मिलेगी। बाकी एक और अच्छी चीज है, लाइट साइड है, ज्यादा हैवियर नहीं है। वन हैंड यूज आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे, तो आपको हाथ में हैवी भी ये फील नहीं होता है। और सबसे सही चीज तो मुझे लगी कि 30,000 रुपीज के प्राइसिंग के अंदर IP68 की वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग भी मिलती है। लिटरली आप इसको पानी में गिरा सकते हो, अगर ये डूब भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। बट याद रखना अगर आ भी जाती है तो कंपनी वारंटी के अंदर इसको लेगी नहीं, तो वाटर डैमेज वारंटी के अंदर नहीं आता है। बट रेटिंग है वो एक थोड़ी सी अच्छी चीज रहती है। इवन इसके अंदर मैंने शॉक हो गया देख के कि Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट मिल जाता है। मेरे घर में या आसपास कहीं भी Wi-Fi 7 का राउटर नहीं है, बट हाँ लेटेस्ट जनरेशन Wi-Fi भी मिलता है। वैसे 5G भी मैंने चेकआउट करा, अच्छे से चला था। VoNR का सपोर्ट है, 5G प्लस का सपोर्ट है, स्मूदर फास्टर नेटवर्क्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। बट एक डाउनसाइड पॉइंट हो सकता है कि इसके अंदर NFC का सपोर्ट नहीं आता है। तो क्या आप NFC यूज करते हो, वो आप मुझे जरूर से कमेंट में बताना। क्या NFC आपके लिए एक डील ब्रेकर वाला पॉइंट है, वो भी आप मुझे जरूर से कमेंट में बताना। अगर आप जा रहे हो कमेंट करने तो यार प्लीज रिक्वेस्ट रहती है सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक चल जाए और मेरा चैनल भी थोड़ा बहुत आपकी सहायता से चल जाए। अच्छी चीज ये है ना कि इस बार यहाँ पे Vivo ने यार डुअल स्पीकर भी दे दिए हैं। डुअल स्पीकर लाउड भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी की आपको म्यूजिक भी आ जाएगी। बट हाँ जो हैप्टिक्स है, वाइब्रेशन मोटर अगर आप उनको कहो तो वो बहुत एवरेज वाले मिलते हैं। आई थिंक उधर भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। बट उसके अलावा जो डिस्प्ले साइड रहती है इसके अंदर 1.5K रेजोल्यूशन वाली 10-bit का आपको AMOLED 3D कर्व वाला ये पैनल देखने के लिए मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। अभी जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूं उसके अंदर नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं आया है, बट नॉर्मली अगर आप HDR वीडियो YouTube वगैरह के अंदर प्ले करना चाहोगे इजिली स्मूथली वर्क करेगी। बाकी अगर आप कलर्स वगैरह में भी देखोगे तो अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेट नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी ट्यून नहीं आती, थोड़ी सी रियल टू लाइफ वाली ट्यून है। डीप ब्लैक्स वगैरह अच्छी तरीके से इसके अंदर निकल के आते हैं। कंटेंट आप इसके अंदर इजिली इंजॉय करोगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इवन आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी बहुत आराम से ये विजिबल हो जाता है। वैसे प्रोटेक्शन जो है इसके अंदर स्कॉट सेंसेशन ग्लास की मिल जाती है, ठीक रहती है। Vivo का या ट्राइड एंड टेस्टेड वो जो है ना प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिलती है। बट जो बड़ी वाली चीज इसके अंदर आती है वो है परफॉर्मेंस। इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 9200 प्लस वाला चिपसेट मिलता है, 4 नैनोमीटर बेस्ड है ये। ऑन पेपर आप इसका स्कोर देखो बहुत तगड़ा है, एंटूटू गीगबेंच सीपीयू थ्रॉटलिंग का भी मिल जाएगा, थ्रॉटल ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ मैंने कंपैरिजन के लिए रियलमी GT60 के साथ भी कराया, इसके भी स्कोर्स आप देख सकते हो ज्यादा बेटर निकल के आते हैं। बट जो UFS स्टोरेज है वो 3.1 है, तो लॉन्गर यूज में भी आई डोंट थिंक कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई समस्या आपको मिलेगी, क्योंकि यार अभी जितना मैंने नॉर्मली यूज करा है डे टू डे यूज के अंदर अगर आप देखोगे एनिमेशन स्मूथ इसके अंदर मिलते हैं, अच्छे से वर्क करता है, मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू इसके अंदर नहीं आएगा, इवन मेमोरी मैनेजमेंट में भी कोई इशू नहीं है। देखो नॉर्मल यूजर्स 30,000 वाले फोन जितने भी है आजकल बड़े ही आराम से कर ले रहे हैं। अच्छी चीज बस ये होनी चाहिए एनिमेशन उनके अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड वो हटाते जा रहे हैं, इसके अंदर आपको एनिमेशन भी मिल जाएगा। यहीं पे थोड़ा हैवी एडिटिंग के लिए जैसे मैंने KineMaster के अंदर एडिट करके देखा, तो यहां पे Realme के साथ ही मैंने कंपैरिजन किया था, तो आप वहां पर भी देखोगे तो ये फास्टर तरीके से वीडियो को एडिट भी कर देता है। तो ये नॉर्मल और हैवी
हैवी यूज में कोई भी दिक्कत नहीं देता है। यहीं पे अगर मैं हीटिंग की भी बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ये ओवरहीट बिल्कुल भी नहीं होता है, वार्म हो जाता है। ये मैंने ज़रूर से नोटिस कराया गेमिंग के टाइम पे, 43 के अराउंड इसका टेम्परेचर गया था, बट उससे ऊपर कभी नहीं गया। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो गेमिंग है अच्छी मिलती है, बट अभी तक इसके अंदर 90 FPS अनलॉक नहीं है। ये चीज़ आई होप इन द फ्यूचर अपडेट्स के साथ या BGMI के अपडेट के साथ या Vivo के अपडेट के साथ आ जाए, क्योंकि यार इसकी जो 60 FPS वाली परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट एक अच्छी वाली आपको मिलती है। 58 के अराउंड इसके अंदर कंसिस्टेंट जो FPS है, जब मैंने FPS मीटर के साथ इसको प्ले करा था, निकल के आ रही थी स्मूथली 60 FPS वाली गेमिंग चल रही थी। ये मैं हैवी गेमिंग में बता रहा हूँ, जब एंगल में हॉट ड्रॉप ऑफ करके देखोगे तब भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर गेमिंग हो जाती है, बिना हीटिंग के होती है, लॉन्गर चलता भी है, तो मजेदार परफॉर्मेंस मैं कहूंगा ओवरऑल इसके अंदर मिलती है। उसके कंपैरिजन में वीवो की परफॉर्मेंस बहुत छप्पड़ फाड़ नहीं है, बट वीवो जो है ना बेसिक यूजर्स के लिए ज्यादा आपको अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस दे देता है। बट वहीं पे जब आप सॉफ्टवेयर वाली चीज में आते हो, यहां लगा है मुझे यार सॉफ्टवेयर थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था। देखो इसके अंदर जो एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स FunTouchOS के साथ मिलती है, प्रॉमिस सिर्फ 2+3 ईयर्स का है। आई थिंक यहां पे 1 ईयर और बढ़ जाता तो मजा आ जाता। ऊपर से इसके अंदर आप देखोगे हॉट एप्स हॉट गेम्स भी आपको मिलेंगे, हालांकि आप दोनों को ही बंद कर सकते हो। कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर भी मिलेंगे, उसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बट जो नोटिफिकेशन है ऐप मार्केट के इनके ब्राउजर के, वो काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं, आपको उसको भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा। ये चीज एक मिनट वाला काम है, अगर आप सब चीज कर देते हो तो उसके बाद आपका जो फ्लोन है क्लीन एकदम हो जाता है। मतलब यूआई वाइज इसके अंदर आपको एआई फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड से इरेज करना हो, फोटो को एनहेंस करना हो, सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। स्मूथली वर्क भी करता है, एंड नॉर्मली भी जो इसके अंदर FunTouchOS की कस्टमाइजेशन है, जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी है, ऐप को लॉक करना है, डुअल ऐप वगैरह बनाने हैं, वैसे बेसिक कस्टमाइजेशन भी मिल जाएंगे, और भी एआई फीचर्स धीरे धीरे FunTouchOS में जरूर से ऐड होते हुए मिलेंगे। बाकी यार बेसिक यूआई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिलती है, फीचर्स वगैरह वाइज कोई भी इशू नहीं है। साथ ही में आप इसके अंदर चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ही आपको वो ऑप्शन मिलता है। बट हाँ, इसके अंदर जो मोशन बेस्ड वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो आपको मिलेगा, यानी जब आप मोशन करते हो तब ये जो ऑफ हो जाता है ना स्क्रीन ऑटोमेटिकली कॉलिंग के टाइम पे, वो होती है। यहाँ पे फिजिकल वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं आता है। बग्स भी बहुत मिनिमल मिलेंगे, ऐसा मुझे कोई बग भी इसके अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ। बैटरी वाला बग था वो मैं आपको आगे बताता हूं, बट उसके अलावा यूआई काफी स्मूथ चलती हुई मिलती है। बट आई थिंक अपडेट्स में यहाँ पे प्रॉमिस थोड़ा ज्यादा होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। देखो जहां पे मैं बात कर रहा था अभी ना बैटरी की, उसकी बात कर लेते हैं। देखो फोन स्लिम है, लाइट वेट भी है, लेकिन तब भी इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है। अब टू माई सरप्राइज मैंने सोचा था बैटरी और बेटर होगी। देखो जब स्टार्ट से मैं यूज करा था, इसके अंदर एक अपडेट आ गई, उससे पहले ना इसके अंदर आइडल ड्रेन भी था। मतलब इतना ड्रेन था कि रात में 15% तक रखे इसके अंदर ड्रेन हो जाता था, बट वो आइडल ड्रेन यहाँ पे वीवो ने अपडेट देके फिक्स कर दिया। बट बैटरी आई थिंक अभी और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट में यहाँ पे इसकी जरूरत है। मतलब बेसिक यूज जितना मैंने अभी तक करा है ना, जो बिना गेमिंग के आपको बताऊं तो 6.5 से 7 घंटे का ही बैटरी बैकअप आ रहा है, ये मैं विदाउट गेमिंग कह रहा हूं। आई होप इसको ये फिक्स कर दे तो गेमिंग के साथ 7 से 7.5 घंटा आएगा तो ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से होगा। बाकी एक और अच्छा पॉइंट मुझे लगा ना कि इसकी डिस्प्ले 1.5K के रेजोल्यूशन वाली है, तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी। अगर उससे आपको बचाना है तो आप इसकी रेजोल्यूशन को आप कम पे सेट कर सकते हो, यानी फुल HD पे कर सकते हो, तो उससे जो बैटरी है वो ज्यादा सेव हो जाती है। उसका ऑप्शन आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर ही इसमें मिल जाएगा। वैसे 80W की चार्जिंग मिलती है, वो फास्ट चार्ज हो जाता है, उसमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इन द बॉक्स चार्जर वगैरह सब चीज मिल जाती है। बट इन द एंड जो बात आती है कैमरास की, क्योंकि यार वीवो का फोन है और परफॉर्मेंस के साथ कैमरे का कंपैरिजन बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बैलेंस वाला दिया हुआ है, क्योंकि मैंने रियलमी GT60 के साथ भी कंपेयर करा था। लो लाइट वाली आप शॉट्स वगैरह देखोगे ना, क्या बेहतरीन यहाँ पे शॉट निकाल रहा है वीवो, बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ निकाल रहा है, वहां पे ट्यूनिंग इनकी अच्छी है। बट वीवो V40 के सामने किस तरीके का वीवो T3 अल्ट्रा है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूं। बट हाँ, बैक में मेन सेंसर आप देखोगे 50 MP का सोनी का IMX921 मिलता है OIS के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइट है, एंड 50 MP का इसके अंदर सेल्फी कैमरा भी मिलता है। अब सबसे पहले अल्ट्रा वाइट कैमरा की बात कर ले, क्योंकि नॉर्मली 8 MP का मिलता है तो डे लाइट के अंदर डिसेंट सी डिटेल मिल जाएगी। कलर्स वगैरह थोड़े से कॉन्ट्रास्ट है, थोड़े से डार्कर साइड मुझे लगे हैं, आई थिंक उसको थोड़ा और फिक्स करना चाहिए। वैसे HDR मैनेजमेंट का कोई भी
इशू नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी अच्छे खासे शॉट्स आ जाते हैं। 8 मेगापिक्सल है, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नोटिस नहीं हुई है, बट जो मेन सेंसर है उसके अगर आप नॉर्मली शॉट्स देखोगे डे लाइट के अंदर अच्छे से निकल के आते हैं, कैप्चर काफ़ी अच्छे से होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी ट्यून इसके अंदर ज़रूर से मिलता है, बट 2x पोर्ट्रेट है जो उसके बुके हैं, जो मतलब पोर्ट्रेट ब्लर है, अच्छा हो जाता है। HDR की ट्यूनिंग यहाँ पे ठीक रहती है, आपको डिटेल्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इवन आप लो लाइट वाली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो शॉट्स वगैरह काफ़ी क्रिस्प हैं, जो डिटेल्स आनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर आपको उसके अंदर मिलती है, और कलर्स वगैरह की भी ट्यूनिंग काफ़ी सही होती है। हाँ, कभी कभी आप नोटिस करोगे ना 2x पोर्ट्रेट में HDR थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो बहुत ही कम केस में हुआ है, वरना लो लाइट के अंदर शॉट्स बहुत सही निकल के आते हैं। अब यहीं पे कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको Vivo V40 से दिखाऊं ना, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ मिलेगी कि जो लो लाइट वाले शॉट्स हैं उसके अंदर Vivo V40 जो है ना थोड़ी और क्रिस्पर डिटेल निकाल रहा है कंपेयर टू T3 अल्ट्रा, वरना उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पता चला। इवन कुछ सिचुएशन में ऐसा मुझे लगा है कि यार T3 अल्ट्रा ज़्यादा अच्छे तरीके से कलर्स को मैनेज कर रहा है, कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा फील हुआ। बट हाँ, ज़ाइस की जो ट्यूनिंग है उसके एक्स्ट्रा जो पोर्ट्रेट ब्लर के शॉट्स हैं वो आपको Vivo T3 अल्ट्रा में नहीं मिलते हैं, जो कि Vivo V40 में आपको मिलेंगे। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता है, क्योंकि बैक कैमरा से 4K 60 FPS वाली वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो, रिकॉर्डिंग वाइज आपको अच्छी डिटेल्स मिल जाती है, कलर्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर लेता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी भी मुझे ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। लेकिन एक और जगह जो थोड़ा सा सरप्राइज करता है ना, कि इसके अंदर सेल्फी कैमरा में भी 4K 60 FPS वाली रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखो, व्लॉगर के लिए एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि आपको हायर डिटेल में बेटर सेल्फी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल रही है, स्टेबल भी मिल रही है, ऑडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाएगी, तो उस मामले में ना एक परफेक्ट एक व्लॉगिंग कैमरा भी हो जाता है। तो अगर आप सोच के चलो ना कि आपको वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए और उसमें एडिट भी आप अच्छी तरीके से फ़ोन में कर लो, मस्त डील हो जाएगी। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस का हो, अच्छे डिस्प्ले का हो और अच्छे कैमरास को हो, आई थिंक Vivo T3 अल्ट्रा ने ना एक अलग ही बेंचमार्क को सेट कर दिया है कि 30,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में आपको सब चीज़ एक अच्छे रूप में मेरे हिसाब से मिल जाएगी। Vivo V40 उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन है जिनको कैमरा से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चीज़ें कैमरा से निकलनी चाहिए, उनके लिए आई थिंक Vivo V40 एक परफेक्ट डील है। बट कैमरा से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा भी मैं कहूँगा मिल जाएगा ना, तो Vivo T3 अल्ट्रा इज़ अ गुड चॉइस अगर आपको वो चीज़ है चाहिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ, होने के लिए तो यार एक सॉफ्टवेयर अपडेट एक्स्ट्रा, NFC एक एक्स्ट्रा हो सकता था तो और भी ज़्यादा अच्छा पैकेज हो जाता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर किए बिना कहीं भी मत जाना।